सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं रोहन कामिया। तो भाई फ्रेम में दिख रही है आपको एक सेगमेंट की दोनों गाड़ियाँ, एक तरफ अपनी वेन्यू टर्बो और एक तरफ अपनी नेक्सॉन टर्बो। अब दोनों आती हैं पेट्रोल में, वैसे दोनों डीजल में भी आती हैं, पर आज दोनों पेट्रोल वाली हैं। ये 1 लीटर टर्बो आता है 3 सिलेंडर, ये 1.2 लीटर आता है 3 सिलेंडर। पर जो है वीर जी ने अपने, देख सकते हो चार्ली लॉग्स कोड 6 का स्टेज 1 डलवाया हुआ है इसमें, देख लो कोड 6 फ्यूलिंग। तो अब जो इसकी हॉर्स पावर है 138 है, टॉर्क है इसमें 205 Nm, पहले आता था 118-170, और इस पर भी सेम आता है 118-170। बस इसका 1000 cc का इंजन है, इसका 1200 का है और ये ट्यून करा लिया। अब देखो वेट मैं आपको बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे वेट सुनकर, दोनों का सेम वेट है, बल्कि ये 1240 किलो की है, ये 1215 किलो की है। तो भाई वेन्यू जो है इससे 25 किलो भारी है, फिर भी भाई देखो 5 स्टार रेटिंग अपनी नेक्सॉन है और वेन्यू अपनी पता ही नहीं क्या है इसका। तो गाइज मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखो कौन सी है, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, वीडियो रोक के देख लेना। 1240 kg दे वेन्यू 1 लीटर है, देख लो। और अभी नेक्सॉन की भी दिखाते हैं, नेक्सॉन की भी दिखाओ जो है 1200 किलो है, वो नंबर नहीं आया इसका। जो वेट देख लो भाई 1200 है, नेक्सॉन पेट्रोल 1200। अब ये मत कहना कि भाई तुम गलत बता रहे हो कुछ है। पर भाई देखो एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भाई जो वीडियो में फालतू कमेंट करते हैं ना कि भाई बिल्ड क्वालिटी है ये फट जाएगी, भाई ये मत करा करो कमेंट, ये बचकानी बातें होती हैं, ये हमें भी पता है। ये भाई हुंडई वालों को भी पता है, टाटा वालों को भी पता है कि भाई बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है, हुंडई वाले फिर भी बेच रहे हैं ना, जो लोग ले रहे हैं ना, या तो फिर वो उनकी गलती है कि वो क्यों ले रहे हैं। पर भाई हुंडई को अच्छी बिल्ड क्वालिटी देनी चाहिए, वो तो है आपकी बात जायज़, पर भाई ये बेकार के कमेंट मत करा करो कि भाई टक्कर मरवा के देख लो, ये करवा के देख लो। भाई जिसको शौक हो ना, 14 लाख रुपए खर्चे, 12 लाख रुपए खर्चे, खुद करा ले टक्कर, मैं मानूंगा फिर कौन करा रहा है जो कमेंट करते हैं। और मुझे पता तुम साइकिल पे घूमने वाले हो, वही कमेंट करते हो उल्टे सीधे, सही में ना छपरी जो होते हैं वही करते हैं, जो जेन्युइन बंदा होगा ना वो उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेगा। तो चलो बात है ड्रैग रेस पे। तो भाई ये ट्यून है और ये अपनी स्टॉक है, DCT है, मैनुअल है, पर भाई लॉन्च इसका भी ऐसी है DCT के बराबर ही मान लो, बस वीर जी कर पाते हैं ढंग से। और आज मैं करके देखूंगा, आरब भी कर लेता पर आज मैं भी करके देखूंगा। हाँ चलो आज मैं करके देखता हूँ, मैं भी चला के देखूंगा, तो देखते क्या फ़र्क रहता है। दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें अलॉय लगे हुए टायर बड़े बड़े, तो उससे फ़र्क रह सकता है। वीर जी कौन सी लग रही है, कौन सी जीतेगी भाई, ड्रैग करके देखते हैं। पहले 1.5 डीजल के साथ करिए, 1.2 NA के साथ करिए, डीजल आगे निकल जाती है, 1.2 NA पीछे रह जाती है, वो तो रहना ही होता है। और तब हमारी गाड़ी स्टॉक अच्छा। अब ट्यून नहीं थी, अब ट्यून है तो ये 1 लीटर है। अब देखो सेठी साहब आप क्या कहना चाहोगे भाई, मेरे को नेक्सॉन लग रही है। नेक्सॉन भाई कौन सी लग रही है एक, चलो अतीशा भाई से भी बोलते हैं। भाई जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं बिल्ड क्वालिटी टक्कर मोरल, उनको क्या कहना चाहोगे भाई, ये ड्रैग रेस हो रही है। हाँ। ये क्रैश टेस्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, वो जीएन कैप करेगी, एशियन एन कैप करेगी, 3 स्टार करना है तो आप क्रैश टेस्ट देखो। हाँ अपने और इतना ही शौक है तो अपनी अपनी गाड़ी ले आओ, 14-14 लाख रुपए खर्च के फिर करा लेंगे, ठीक है। आमने सामने बैठेंगे, हाँ। जिसको नेक्सॉन पसंद है बोले और जिसको वेन्यू पसंद है बोले। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जी लाइन कैप, छाव लाइन कैप है ही हमारा फेमस। तो ठीक है गाइस करते हैं ड्रैग स्टार्ट और आपको दिखाते रिजल्ट्स। ओके जी अपना पहला राउंड स्टार्ट, आ गए हम नेक्सॉन में अपने प्यारे प्यारे क्यूटो क्यूटो सेक्सी सेक्सी होटी होटी वीर जी के साथ। पीछे वाले शीशा ऊपर कर लो वीर जी। तो जी करते हैं ड्रैग स्टार्ट, आ जाओ जी दोनों चीतो जल्दी जल्दी। भाई नेक्सॉन में ऑफ, एसी ऑन रखो ना अभी पहले राउंड में, ऑन कर लेते हैं भाई। और स्पोर्ट्स मोड है अपना, और उसका ट्रैक्शन ऑन रहेगा, उसके अंदर ट्रैक्शन का स्विच आता है ऑन रखना, एसी भी ऑन रखना। चलो जी राउंड 1 स्टार्ट कर, 3 2 1। ओहो वीर जी का लॉन्च करा यार, क्या करो सेम सेगमेंट की गाड़ी को तो जरूर आऊंगा। वेन्यू है ओ भाई, वो आ रही है, वेन्यू आ रही है। अरे यार निकल गई, वेन्यू निकल गई यार, आगे यार निकल गई। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, विद एसी गोइंग डाउन। वीर जी मेरे हिसाब से तो मेरी स्कोर पे बहुत भाग रही है अब। हां बढ़िया भाई, फिर नेक्स्ट कौन से करोगे रेस? नेक्सॉन से कर तो ली, और कितनी बार आ रहा हूँ इस कॉन्फिडेंस से। मेरी जितनी आगे क्यों लाए हो, लंबी रेस करोगे पता। नेक्सॉन हार गई, कोई नहीं चलो 90 के बाद निकल गई। 3 सिलेंडर विद एसी गोइंग डाउन, उसका भी तो ऑन है, वो भी तो 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है यार, 3 सिलेंडर है यार। अच्छा वीर जी कह रहे हो वो 4 सिलेंडर है इसलिए जीत गई। ठीक है चलो फिर एसी ऑफ कर लेते हैं, ठीक है सेकंड राउंड करते हैं।
3, 2, 1 भगाओ 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 भगाओ। लॉन्च लेट हुआ, हमारी गलती नहीं है, सिलेरियो मत पिचका देना आगे बस। ओहो ओहो ओहो, आ रही है, आ रही है क्या? 100, 105, 110, 115, 120, 125 ले लो ब्रेक, 130 तक ले लो, ब्रेक ले लो, नहीं निकली। अरे ब्रेक ले लो यार, 130 तक भी नहीं निकली इस बार। अरे इधर करके लो ना इस बार। हाँ जी भाई, 130 तक आ गई थी नेक्सॉन, पर इस ड्रैग की मेरा नेक्सॉन है। इशू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी आगे थी। इशू इज योर इशू, नॉट आर इशू। योर इशू इज नहीं डालोगे ना फिर आप? डालूंगा। क्यों? क्यों डालूंगा? इशू तो आपका था, रोलिंग तो मैंने करी थी आपके लिए फिर से। कौन सी? जो क्रेटा नेक्स्ट वर्ल्ड में। ये तो कंपटीशन ले रहा है भी नहीं। वो उसमें तो तेरे को क्लियरली बोल दिया तेरी जीत गई थी। होंडाई साली हार नहीं चाहिए, होंडाई लवर है ये, ऑन किया करता लवर होंडाई का, ये कोरियन लवर है ये। कोरियन रहता हिंदुस्तान में, पसंद पाकिस्तान को करता है भाई। ये एसी ऑफ, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन ऑन है ना? हमारा तो ऑन है अभी, बाहर से आते वक्त। अब क्या रख रहा है? मैनुअल डीसीटी। चलो चलो जी, 3, 2, 1 ओहो, चीटर 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 चीटर, उसने रोक लिया। चलो जी करते हैं यहाँ से अपना थर्ड राउंड। 3, 2, 1 अब भाई तीशे ने चलाई है बढ़िया, और भाई ये इस बार 70 पे 80 में निकल गई है। 75, 90 के बाद पूरी, हाँ 90 के बाद पूरी, मतलब 80 पे कवर कर लिया, और भाई जीत गई है अपनी। वेन्यू जीत गई है। और ये मत कहना कि भाई वेट में हल्की है, गूगल कर लेना, 1240 किलो की है। उसके टायर भी वो, हाँ, और ये 1215 किलो की है नेक्सॉन। 1215 है, देखा है मैंने गूगल पे। तो भाई ये मत कहना कि वो हल्की है या कुछ है, और बिल्ड क्वालिटी वाले तो कमेंट बिल्कुल मत करना। ठीक है भाई, तो भाई ये वेन्यू, ये नहीं कि भाई मैं हुंडई का लवर हूँ, ये तो मेरे को बिल्कुल मत कहना कमेंट में कि तू हुंडई का लवर है तू इसलिए कह रहा। भाई मुझे नेक्सॉन ज्यादा अच्छी लगती है वेन्यू से, चाहे तो वीर जी से पूछ लो, वीर जी झूठ नहीं बोलते, ये जेन्युइन आदमी है। बताओ, हाँ जी, नेक्सॉन अच्छी लगती है ना, वो भी डीजल वाली, डीजल वाली पर अपनी पेट्रोल है। हाँ, पर एट द एंड वीर जी ने कह दिया उनको ये पेट्रोल वाली पसंद नहीं। भाई जीत गई वेन्यू, कुछ करना है तो आप एसी ऑन कर लो, हम ऑफ रखते हैं। या रोलिंग करोगे? रोलिंग कर लेते हैं। फर्स्ट गियर 20 ऑफ। चलो, ओहो झटका आ गया, ओ निकल गया आगे भाई। पर ये RPM 5.5 पे दिखाते हैं कि पूरी हॉर्स पावर लेती है, पर ये 5.5 के बाद जाके तो पावर कट कर देती है RPM पे। तो करेगी, इंजन पे इफेक्ट ना पड़े, ट्यून ऐसे करी हुई है, पता नहीं भाई। चलो भाई जीत गई है भाई वेन्यू, गर्मी में हम मर गए हैं भाई, पसीनो पसीनो हो गए हैं। क्या यार वीर जी, यार गाड़ी लिया हो ना कोई तेज भागने वाली। ठीक है वीर जी, वो भी 5-स्टार है, ध्यान रखना। ओ देख देख लिया आपने, और रिजल्ट भी देख लिया कि अपनी वेन्यू विनर रहती है DCT के होने के बावजूद भी, और जबकि नेक्सॉन ट्यून भी हो रखी है। भाई देखो नेक्सॉन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ठीक है वेन्यू भी अच्छी गाड़ी, पर नेक्सॉन ज़्यादा वैल्यू देता है, पर भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टाटा बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि भाई सेफ्टी का और कम्फर्ट के अकॉर्डिंग देती है टाटा। पर ठीक है, अच्छा कॉम्पिटिशन दिया, पर अपनी वेन्यू जो ड्राइव रेस जीत गई। तो यही था कुछ रिजल्ट, और वीडियो अच्छी लगी तो पता क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।